सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रेजा, जिसे अब टोयोटा ने रीबैज करके अर्बन क्रूजर के नाम से बेचना शुरू कर दिया है, जिससे आम लोगों को और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है कि वो विटारा ब्रेजा सिलेक्ट करें या फिर टोयोटा की अर्बन क्रूजर। सो यहाँ मैंने कम्पेयर किया है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट VXI को अर्बन क्रूजर के बेस वेरियंट मिड ग्रेड के साथ। कर लेते हैं ऑन रोड प्राइस की। तो विटारा ब्रेजा पड़ती है 9.53 लाख ऑन रोड, वही अर्बन क्रूजर पड़ती है 9.60 लाख ऑन रोड। बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की। ब्रेजा में मिलता है हमें सिंगल टोन इंटीरियर, वहीं अर्बन क्रूजर में मिलता है हमें डुअल टोन इंटीरियर। ब्रेजा में मिलता है हमें ऑल ब्लैक इंटीरियर, वहीं अर्बन क्रूजर में मिलता है हमें ब्लैक एंड डार्क ब्राउन इंटीरियर। बात करें हम लुक्स की, तो टोयोटा ने अर्बन क्रूजर को फ्रंट से बहुत ही अच्छे तरीके से एनहेंस किया है, जो उसे मिनी फॉर्च्यूनर का टैग भी देता है। ब्रेजा से 8-10 हजार रुपए महंगे होने के बावजूद भी हमें अर्बन क्रूजर में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलते, वहीं विटारा ब्रेजा में ये अवेलेबल है। सो गाइस, वैसे इन दोनों गाड़ियों में ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जहां पे मारुति 2 ईयर्स और 40,000 किलोमीटर वारंटी क्लेम करता है, वहीं पर टोयोटा क्लेम करता है 3 ईयर्स वारंटी और 1 लाख किलोमीटर। तो गाइस, अगर आप एक दो फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर विटारा ब्रेजा सिलेक्ट करना चाहिए। और जो इन एक दो फीचर्स को इग्नोर कर अर्बन क्रूजर सिलेक्ट करते हैं, वो पा सकते हैं टोयोटा का भरोसा, रिलायबल सर्विसिंग, ऑन टाइम सर्विसिंग और सबसे कीमती 1 लाख किलोमीटर और 3 ईयर्स का ट्रस्ट। अगर आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन थी, सो आई होप इस वीडियो ने थोड़ी कंफ्यूजन जरूर दूर की होगी। तो गाइस, वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।